नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आशुतोष सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर आशुतोष सिंह से हम इस विषय पर बात करेंगे कि आप डे टू डे रूटीन में जो ग्रोसरी का सामान लेकर आते हैं, ये जो मास्क यूज करते हैं, वो कितना सेफ है, क्या वायरस तो उसके साथ हमारे घर में नहीं आ रहा है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू इला। सबसे पहले तो सर आप ये बताइए कि कैसे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग घर से बाहर जा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं। हमको यही इसमें हॉस्पिटल्स में एक्चुअली इमरजेंसी सर्विस हमें प्रोवाइड करनी होती है जी। हॉस्पिटल्स में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग एक सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंस हम मेंटेन कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन लेते हुए हम पेशेंट्स को देख रहे हैं, क्योंकि अगर हमको इन्फेक्शन हो गया, इतने पेशेंट देखते हैं, तो किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट्स को। तो इसलिए हम ओपीडी में एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मास्क, गाउन, कैप, ग्लव्स, ये जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, इसके साथ हम पेशेंट देख रहे हैं और पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ हमने गाइडलाइंस फॉर्म किए हैं, उसके साथ हम पेशेंट डील कर रहे हैं। लेकिन यस, इमरजेंसी सर्विसेज आर ऑन। इस लॉकडाउन की वजह से हमारा पर्पज है कि किसी भी पेशेंट को जिसको हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट सारे देश की तरफ से आप सभी चिकित्सकों को, सारे हेल्थ वर्कर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज का जो मेरा सवाल है वो डे टू डे की रूटीन में इस लॉकडाउन के दौरान हर किसी से जुड़ा हुआ है, इनफैक्ट आपसे भी कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। सवाल ये है कि हम जो ग्रोसरी का सामान लेकर आते हैं या सब्जियां लेकर आते हैं पॉलिथीन में या बैग में, या हम ऑनलाइन डिलीवरी भी करवाते हैं, तो अगर कहीं उसमें वायरस लगा रह गया या वायरस आ गया उसमें, तो कितने घंटे तक या कितने समय तक हम उसको बचा सकते हैं, इनएक्टिव रह सकता है वायरस उस नॉन लिविंग सर्फेस पे? देखिए, वायरस डिफरेंट अब नई रिपोर्ट्स आ रही हैं जी, कि वायरस कुछ आर्टिकल्स पर इवन 4-5 डेज पर भी रह सकता है। इवन ग्लासेस पर वायरस 6-7 आवर्स तक रह सकता है ग्लास सरफेस पर, बट कॉटन वगैरह पर, इस तरह की सरफेस पर वायरस 5-6 डेज तक भी रह सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाहर से आप कोई भी ग्रोसरी का सामान अगर आप ला रहे हैं, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी इनहेलेशन को तो हम मास्क से प्रिवेंट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बचने के लिए हम जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल ला रहे हैं, इमीडिएटली आपको उसको वॉश करना है। सिंपली आप सोप से भी वॉश कर सकते हैं, जिससे कि वायरस उससे किल हो जाएगा। या अदरवाइज कुछ ऐसे जैसे मोबाइल है या बाकी ऐसे सरीज हैं, उसको आपको स्प्रिट के साथ अल्कोहल से सैनिटाइज करना है। आपको ये मानते हुए चलना है कि जितनी भी आप बाहर से ग्रोसरी का सामान या जो भी आर्टिकल आप कैरी कर रहे हैं, किसी पर भी वायरस हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी आपको घर में एंटर करना है, किसी चीज को टच नहीं करना। प्रीफरेबली अपने शूज और स्लीपर्स को घर से बाहर रखना है, क्योंकि बाहर फ्लोर पर वायरस हो सकता है जो आपके शूज पर या स्लीपर्स के सोल पर लग सकता है, वो उससे अंदर आ जाएगा। सारे जो आपके मिनिमम आपको कोशिश करना है, बेल्ट या ये सारी चीजें, वॉच या आप यूज ना करें, जितना मिनिमम आर्टिकल आप रखते हैं उतना बेटर है। जो भी आप कैरी करते हैं, वॉच या अपने ग्लासेस और योर पर्स, इसको आपको आने के बाद अल्कोहल से सैनिटाइज करना है। घर आते ही सारे क्लॉथ्स आपको एक हॉट वाटर में सोप के साथ उसमें डाल देना है, जिससे बैक्टीरिया उसमें विद इन फ्यू मिनट्स उसमें बैक्टीरिया किल हो जाता है। और जितने भी बाहर से कोई भी ग्रोसरी का सामान लाते हैं, सबको आपको क्लीन करना है प्रॉपरली। उसमें मेनली वेजिटेबल होगा, प्लास्टिक जो है, लाइक पॉलिथीन में अगर हम सामान लेके आ रहे हैं या बैग में सामान लेके आ रहे हैं, और मान लीजिए कि कोई ऐसा सामान है, मान लीजिए चीनी ही है, जिसको हम सैनिटाइज नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम करेंगे तो वो गीली हो जाएगी, ऐसे कई सारे सामान हैं, तो सर हम कितने घंटों तक उसको एक ऐसी जगह रखें जहां से वायरस जब इनएक्टिव हो जाए? ऑन एवरेज देखा, अगर आप 48 आवर्स तक उसको रख देते हैं कहीं अलग जी, 48 आवर्स में यूजुअली वायरस का इफेक्ट उसमें कम हो जाता है। लेकिन इट इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल, क्योंकि कुछ सर्फेसेज ऐसे होते हैं जिन पर 4 डेज तक भी वो रह सकता है। इसलिए कोशिश करिए, कैरी बैग आप अपने घर से ले जाइए, बाहर का कैरी बैग यूज मत करिए। बिल्कुल, बाहर का कैरी बैग यूज करते हैं तो उसमें सामान निकाल के उसको कैरी बैग को डिस्कार्ड करिए। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया शुगर का, यूजली
हम जब भी कोई भी चीज जिसमें हम शुगर यूज कर रहे हैं, इसको हम बॉईल कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी ऐसा रिस्क नहीं होता। और शुगर बनने का प्रोसेस ऐसा रहता है कि उसमें पॉसिबिलिटी कम रहती है, बट शुगर जिस पॉलिथिन में होगा या जिस कैरी बैग में होगा उससे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको यही ध्यान रखना है, बाहर से आती है आपको घर में पहले प्रॉपर वॉश लेना है, उसके बाद घर में किसी चीज को टच करना है। सर मास्क का जहां तक सवाल है, कहा जा रहा है ऐसा, और ये जरूरी भी है, बिना मास्क के बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, बिल्कुल भी किसी से ना मिले, मास्क के साथ ही मिले लोगों से। तो सर मास्क जनरली हम जो जितने भी मास्क लेके आए हैं, मैं N95 मास्क यूज कर रही हूँ, तो हम वो वॉश नहीं कर सकते, हालांकि मैं उसको टाइम टाइम पे सैनिटाइजर से सैनिटाइज करती रहती हूँ, लेकिन और क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम बार बार मास्क वो यूज भी कर सके और वो मास्क में इन्फेक्शन ना आ जाए। देखिए, यूजुअली मास्क के लिए वॉशिंग या सैनिटाइजेशन ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा। जो गाइडलाइंस निकाली गई हैं इंडिया में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की ओर से, दैट वी शुड यूज 5 मास्क। 5 मास्क मींस 5 मास्क लेकर हमने 1, 2, 3, 4, 5 लेवल करेंगे। डे वन पर मैंने मास्क यूज किया, नेक्स्ट डे आई विल यूज नंबर 2 मास्क, नंबर 3। इस तरह से जो फर्स्ट मास्क का नेक्स्ट टाइम मैं यूज करूंगा आफ्टर 5 डे यूज करूंगा। इस 4-5 डेज में उसे मुझे एक ड्राई पॉलिथिन में रखना है। अच्छा। और ड्राई एरिया में रहने पर वो अपने आप मास्क वो स्टरलाइज हो जाएगा, उस मास्क पर वायरस का इफेक्ट मास्क की सरफेस से वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। इसको हम इसलिए 4-5 डेज का गैप लेकर चलते हैं। तो ये गाइडलाइंस बनाई गई है। अगर कोई भी मास्क आप यूज कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 5 मास्क रखिए। 5 मास्क में फर्स्ट मास्क, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, और जो आपको रिपीट करना है डे 5th पर आपको फर्स्ट मास्क को रिपीट करना है। सेकंड थिंग इज, एक अगर हम नॉर्मल जो लोएस्ट रिस्क एरिया में जा रहे हैं, हमें ग्रोसरी का सामान लेने जा रहे हैं, बाहर लेने जा रहे हैं, तो उसमें हम नॉर्मल मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रिपल लेयर मास्क है उसको हम रीयूज रिकमेंडेड नहीं है। ट्रिपल लेयर मास्क 1 टाइम यूज होता है कि आपने एक बार यूज किया और उसको डिस्कार्ड कर दिया। दूसरा ऑप्शन ये, घर पर जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, सिंपली किसी भी कपड़े का आपने मास्क बनाया, उसको कपड़े को आप बार बार घर पर वॉश कर सकते हैं, क्योंकि वॉशेबल मास्क हैं। हालांकि जो वॉशेबल मास्क, जो होममेड मास्क हैं, उनकी एग्जैक्टली एफिकेसी कोई ट्राई नहीं किया गया है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के लिए, जो लो रिस्क पर्सन है, उसके लिए सफिशियंट है। मैं डॉक्टर्स के लिए वो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज डॉक्टर्स आर इन हाई रिस्क जोन। उनके लिए, डॉक्टर्स के लिए तो N95 मास्क यूज करना है, क्योंकि उनको, बिकॉज N95 मास्क गिव 95% प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस। जो नॉर्मल मास्क होता है वो हाई रिस्क एरिया में केवल 20-30% प्रोटेक्शन देता है। इसलिए लो रिस्क एरिया में आप कोई भी मास्क यूज कर सकते हैं, और वॉशेबल मास्क भी यूज कर सकते हैं, बट ट्रिपल लेयर मास्क होता है तो उसको आपको फिर डेली चेंज करना है। अगर आप मास्क को रीयूज कर रहे हैं उसके लिए आपको 4 डेज वेट करना पड़ेगा बिफोर रीयूजिंग द मास्क। इनफैक्ट मुझे लगता है सर, जो एसेंशियल सर्विस में हैं, जितने भी लोग हैं, हम जैसे जर्नलिस्ट हो गए, या फिर ग्रोसरी वाले हो गए, या ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सभी को मास्क बहुत अच्छा, बेहतर, इनफैक्ट N95 मास्क ही यूज करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। देखिए, जो रिकमेंडेशन है वो है, लो रिस्क एरिया में यू कैन यूज ट्रिपल लेयर मास्क, नॉर्मल मास्क। इन हाई रिस्क जोन यू शुड यूज द N95 मास्क। हाई रिस्क मीन्स डॉक्टर्स, पुलिस पर्सन एंड मीडिया, क्योंकि मीडिया को भी ऐसे हाई रिस्क जोन में जाना पड़ता है, मीडिया पर्सन्स को, उनको भी दे शुड ऑल्सो यूज द N95 मास्क। और N95 मास्क अगर आप यूज करें, आइडियली आपको 5 मास्क कैरी करने हैं और डेली मास्क चेंज करना है, और मास्क को आपको किसी ड्राई एनवेलप में रख देना है जिससे वो ड्राई हो जाए और उसमें वायरस का इफेक्ट चला जाए, एंड आफ्टर 5 डेज यू कैन रीयूज द मास्क। तो आपको अगर आइडियल वे में आपको चलना है तब आपको 5 मास्क कैरी करने कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप घर पर रहिए, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है और आपके साथ जुड़ी और भी कई तमाम जिंदगियों का सवाल है। सर बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। थैंक यू, लव, थैंक यू।